कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, अध्याय 7 मैं आपको बताने वाला हूं जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। और इस वीडियो में इसको बिल्कुल रापची के स्टाइल में समझने का प्रयास करेंगे। और पहले ही मैं बता देता हूँ, ये लाज शर्म जो होता है ना, इसको त्याग दीजिएगा, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। हो सके तो आप ईयरफोन भी लगा लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है? क्योंकि बायोलॉजी में हो सकता है कि डीप में जाऊंगा तो बायोलॉजी का जो भी वर्ड होता है, यानी शब्द होता है, उसको हम अपने लैंग्वेज में बताएं तो फिर आपको बुरा लग सकता है। इसलिए ये आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तो आप तो पढ़ रहे हैं, सामने वाले जो सुनेगा उसको थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए आप लोग ईयरफोन डाल लीजिएगा कान में, ठीक है? तो आइए प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी को खत्म कर चुके हैं हम, केमिस्ट्री भी खत्म कर चुके हैं, अब बायोलॉजी पे अब हाथ जो है लगा दिए हैं। उसके बाद ये जब खत्म हो जाएगा तो फिजिक्स भी स्टार्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आता है भैया, इसमें हम समझते हैं सबसे पहले जनन को। जनन क्या है? जैसे कि चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब हम जीव हैं, आप जीव है, कोई भी जीव है, वो सब जनन कैसे करता है। जन्म मतलब समझिए कि पैदा कैसे करता है कोई भी जीव, मतलब अपने जैसे संतान पैदा कैसे करता है, ये सब समझेंगे। तब बउआ यहां पे देख सकते हो क्या है जनन। जनन कहते किसे हैं? तो लिखा गया है जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं। संतति यानी संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है? उत्पन्न यानी पैदा करना। तो वही मैंने लिखा कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जो होता है अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं, बोले तो संतान उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो जनन कहते हैं, ठीक है? जैसे कि हम हुए, कोई लड़की है, हम दोनों मिल लेंगे, ठीक है? अब मन हुआ कि मतलब समझ रहे हैं ना, तो फिर हो सकता है, या आप हमारा पर उदाहरण ले, हमारा पर सूट नहीं कर रहा है, थोड़े से पर उदाहरण लेते, तू सब ज्यादा अभी युवा है ना, ठीक है? कोई बात नहीं, समझ रहा है बच्चा सब, आगे हम सब कुछ बताएंगे, अभी तो स्टार्ट है। तो यहाँ पे ये समझ लिए, ठीक है? जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जनन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते। कौन कौन होते हैं? पहला होते लैंगिक जनन और दूसरा होते अलैंगिक जनन। इन दोनों के बारे में जानेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है? तो आइए जानते हैं। देखिए, लैंगिक जनन हम कहते किसे हैं प्यारे बच्चों, उसके बारे में जान लेते हैं। लैंगिक जनन कहता है कि वह जनन जिसमें नर यानी पुरुष कह सकते हो, जिसमें नर और मादा युग्म मिलकर के नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं लैंगिक जनन। जैसे कि हमने उदाहरण लिया, एक तरफ मादा है बोले तो स्त्री है और एक तरफ नर है यानी बोले तो पुरुष है। इनको तो पहचानते होंगे ये मोहतरमा को, ये थोड़ा सा ज्यादा ही ओपन हो रहे थे तो मैंने सोचा कि इन्हीं पे आज बायोलॉजी प्रैक्टिकल समझा देते हैं। जैसे कि ये मादा में हमने ले लिया इस उर्फी जावेद को, और ये कोई है, इनके बॉयफ्रेंड है शायद, है ना? तो नर के रूप में ले लिया, अभी दोनों मिलेगा, ठीक है? अब शादी से पहले इन दोनों का मन हो गया, क्योंकि ये सब ज्यादातर रिलेशनशिप में रहते हैं, अब मन हो गया कि भाई दोनों मिल करके आपस में सेक्स करें, यानी संभोग करें, ठीक है? मन मिलने की बात है, ठीक है? अब हो सकता है सेक्स किया, ठीक है? सेक्स करने के दौरान हो सकता है कहीं ऐसा कांड हो गया कि बच्चा निकल गया, यानी एगो नया जीव का निर्माण हो गया, है ना? तो नया जीव का जो निर्माण हो गया तो उसी को हम क्या कहेंगे? लैंगिक जनन कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे मादा लिया नर, ये दोनों मिलकर के एक नया जीव का निर्माण किया, है ना? गोल मोल काला कलूटा जो भी है वो निर्माण कर लिया, तो ये हो गया लैंगिक जनन, ठीक है? तो बेहतर रहेगा कि आप दोनों शादी के बाद कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको कहेगा कलमू ही, है ना? तो हम ये नहीं सुनना चाहते हैं, आप लोग भी सजेस्ट इनको दे दीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा ही ओपन हो रही थी। अब देखो, मादा यानी उर्फी जावेद के श्रेणी में मैंने ले लिया वो बकरी को, है ना? ये भाई साहब के श्रेणी में ले लिया मैंने यहाँ पे बोतो को, जिसको बौक कहते हैं ना, बोका, बोका ना कहते, बोका कहीं के, मतलब बोतो, ठीक है? अब ये बोतो मतलब बकरा है, मतलब बकरी का ये हस्बैंड है समझो, ठीक है? अब दोनों क्या है भाई, जनन करेगा, मतलब जो है सेक्स वाली फीलिंग करेंगे, फीलिंग करना से नहीं होगा कुछ,
करना ही पड़ेगा, तब जाकर के एक नए संतति उत्पन्न हो गया यानी संतान उत्पन्न होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, लैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है, तो लैंगिक जनन में देख लिया कि नर और मादा मिलकर के कम से कम दो जीव, यहां भी भाई नर है ये भी एक जीव है, मादा ये भी एक जीव है, तो दो जीव मिलकर के क्या किया, एक नए जीव का निर्माण किया, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो आई होप कि आप फ्यूचर में कभी नहीं भूलेंगे लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, तो क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आगे हम क्या करते हैं, अगला पॉइंट समझ लेते हैं। अब हम समझते हैं प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन के बारे में, आखिर अलैंगिक जनन कहते किसे हैं। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, देखिए इसमें एकल जीव नए जीव का निर्माण करते हैं, मतलब एक ही जीव वो स्वयं है, वो अकेला है, अकेला ही क्या कर देता है, नए जीव का निर्माण कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब इसमें सेक्स वगैरह सब नहीं होता है ना, मतलब संभोग वगैरह सब नहीं होता है, सेक्स को हिंदी में संभोग कहते हैं, राइट ना। तो ये आपने समझ लिया कि तो इसमें एक एकल जीव नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि हाइड्रा हो गया, हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, लेस्मानिया हो गया, उसके बाद प्लेज्मोडियम हो गया, तो ये सारे के सारे जो उदाहरण है वो अलैंगिक जनन के उदाहरण है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि होती है, तो आप कहेंगे अलैंगिक जनन। ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये हाइड्रा है। अगर मैं पूछूं हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि है, तो अलैंगिक जनन। उसके बाद मैं पूछूंगा लेस्मानिया में जनन की कौन सी विधि होती है, तो अलैंगिक जनन कहेंगे। उसके बाद आपसे मैं पूछूंगा अमीबा में जनन की कौन सी विधि है, तो भी अलैंगिक जनन। और प्लेज्मोडियम में मैं कहूंगा कि जनन की कौन सी विधि, तो भी अलैंगिक जनन। मैंने इसलिए यह बताया क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, कोई सेक्स वगैरह सब नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि इसका शरीर है, उस शरीर को में एक भाग कट करके नया जीव ले लेता है। जैसे यहाँ पे देखिए अमीबा है, ये क्या है, अमीबा है। एक समय ऐसा आता है कि अमीबा दो रूप में बदल जाता है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे खंडन विखंडन सब में। ठीक है, तो दो रूप में बदल जाता है यानी दो जीव बन जाता है। अमीबा एक ऐसा जीव है, अपनी संरचना को आरा टेरा जैसा चाहे वैसा बना सकता है ये अमीबा। ठीक है, क्लियर ना, ये समझ गए। जैसे कि ये सब हो गया हमारे पास, प्लेज्मोडियम हो गया, ये हाइड्रा हो गया, लेस्मानिया हो गया, ये सब क्या है, अलैंगिक जनन के उदाहरण। ये सब क्या है, सेक्स वगैरह सब नहीं करता है, अपने ही शरीर से कोई भाग काट करके एक नया जीव बना लेता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल से आगे हम बढ़ेंगे, टेंशन मत लो। तो ये समझ गए हाँ। अगर आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो हमारा पेड व्हाट्सएप नंबर याद रखना, 85 है 81 है 80 है 29 29। ठीक है, इसमें आपसे 251 रुपया लिया जाता है। ठीक है, और 251 रुपया लेकर के साल भर का जितना भी कोर्स होगा वो सब दे दिया जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर ना। हाँ भाई, आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन की विधियाँ यानी अलैंगिक जनन किस किस में होते हैं वो हम आपको बता दें। जैसे विखंडन है, अलैंगिक जनन की विधियाँ में विखंडन हो गया, पुनरुद्भवन हो गया जिसे पुनर्जनन कहते हैं, और मुकुलन हो गया, कायिक प्रबंधन हो गया, बीजाणु समासंग हो गया, है ना। तो इन सभी के बारे में आइए अब डिटेल से समझते हैं। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने ले लिया क्या, विखंडन के बारे में। आखिर विखंडन कहते किसे हैं, विखंडन देखो इसमें जीव जो है दो या दो से अधिक भागों में, कहता है इसमें जीव दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। दो या दो से अधिक भागों में बटना ही क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। जैसे कि यह दो प्रकार के होते हैं, अच्छा जैसे कि नहीं, अभी हम सब बताएंगे आगे। ठीक है, यह कितने प्रकार के होते हैं विखंडन प्यारे बच्चों, तो यह जो है ना दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन और बहुखंडन, इसमें अब हम क्या करते हैं, डिटेल से समझते हैं। थोड़ा सा पसीना आ रहा है, अब पसीना इसलिए क्योंकि गर्मी ज्यादा है, है ना, तो गर्मी में पूरा लाइट वगैरह का गर्मी लग रहा है, तो पसीना तो ऐबे करेगा, एगो पंखा लगाए हुए वैसे। ठीक है, तो द्विखंडन बहुखंडन, अब द्विखंडन और बहुखंडन के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम समझते हैं द्विखंडन के बारे में, आखिर द्विखंडन किसे कहते हैं। कहता है इसमें एक कोशिकीय जीव दो कोशिकाओं में बदल जाते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, विखंडन कहते हैं। अब एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, एक इसी में आता है, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। एक कोशिकीय जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर के बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, जो बहुत सारे कोशिकाओं से यानी सेल से मिलकर बने होते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव में हम आ गए, आप आ गए, भेड़ आ गए, बकरी आ गए, है ना, कुत्ता आ गया, बिल्ली हो गया, ये सब बहु
कोशिकीय जीव है, क्योंकि ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और एक कोशिकीय जीव जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, जैसा कि ये सारे के सारे जो उदाहरण देख रहे हैं ये सब एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। ठीक है, तो जैसा कि हमने लिखा अमीबा, तो इसमें एक कोशिकीय जीव जो होते हैं दो कोशिकाओं में क्या होते बदल जाते हैं, उसे एक कोशिकीय जीव सॉरी विखंडन कहते हैं, द्विखंडन, विखंडन का ही भाग है लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन के बारे में समझ लिया डिफिनेशन। अब जैसे देखो, जैसे कि ये एक कोशिका है, ये हमारे पास एक कोशिकीय जीव का ही उदाहरण है, तो अमीबा जो है प्यारे बच्चों एक कोशिकीय जीव है, और ये क्या होता है बाद में जाकर के ये दो जीव में बंट जाता है, यानी दो कोशिकाओं में बंट जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या प्यारे बच्चों, द्विखंडन कहते हैं। और द्विखंडन किस में होता है, तो अमीबा में होता है। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में होता है। और अमीबा के साथ साथ प्यारे बच्चों द्विखंडन जो है ना लेशमानिया में भी क्या होता है, द्विखंडन होता है, जैसा कि आपके बुक में दिया गया है। अमीबा में जो होता है द्विखंडन होता है, आपके बुक में ही होगा, सारा चीज आपके बुक में है, एनसीईआरटी के बुक जब खोलेंगे तो सारा चीज उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अमीबा में द्विखंडन होता है, लेशमानिया में भी क्या होता है, द्विखंडन होता है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, इसकी मदद से समझिए, ये थोड़ा सा देखो, एक यानी अमीबा है, देखो किस तरीके से दो भाग में बट गया है, बट गया है कि ना, तो यानी एक कोशिकीय जीव अमीबा था और बाद में चल करके ये दो भागों में बट गया, देख रहे हैं बट रहा है ना, तो ये आपने देख लिया, इसके मदद से आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, द्विखंडन समझ लिए, अब हम समझते हैं बहुखंडन। आखिर प्यारे बच्चों बहुखंडन कहते किसे हैं, बहुखंडन के बारे में हम डिटेल से समझते हैं। यहां कहता है क्या, इसमें एक कोशिकीय जीव जो होता है बहुत सारे कोशिकाओं में बदल जाते हैं, उसे हम कहते हैं बहुखंडन, जैसे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का ये चित्र है आपके बुक में होगा। तो ये प्यारे बच्चों क्या है, एक कोशिकीय जीव है और ये क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं में बट गए हुए, जैसे कि ये देखो छोटे छोटे ये सब जो देख रहे हैं ये बहुत सारे कोशिकाओं में बट चुके हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, बहुखंडन कहेंगे। इसमें बहुत सारे कोशिकाओं में बटा इसलिए इसको बहुखंडन कहते हैं। तो आपने समझ लिया बहुखंडन के बारे में, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन के बारे में, हम जानते हैं क्या कहता है कि जब जीव अपने कायिक भाग से टूट करके एक नए जीव बन जाता है तो उसे पुनर्जनन कहते हैं। कायिक भाग मतलब उसके बॉडी के कुछ पार्ट, जैसे कि हमारा हाथ है, अब एको कोई काट देगा यहां से, है ना, काट करके नया जीव बन जाएगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, पुनर्जन कहेंगे। लेकिन हमार हाथवा काट देगा तो क्या ये नया जीव बनेगा, नहीं बनेगा, है ना, तो हम लोगों में पुनर्जनन नहीं होगा। देखिए इस समय पुनर्जनन होता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनर्जनन होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये प्लेनेरिया है, इसको तीन भाग में काट दिया गया यानी कट गया है, कट करके फिर एक ऐसा बना, फिर उसके बाद ये तीन भाग में यानी तीन जीव बन चुके हैं प्यारे बच्चों, देख सकते हैं, है ना। तो प्लेनेरिया में क्या होता है प्यारे बच्चों, पुनर्जनन होता है, यानी इसमें इसका उदाहरण हो गया प्लेनेरिया। जैसे कि देख सकते हैं इसके कायिक भाग, इसका अंग कट करके एक नया जीव बन गया है। देखिए यहाँ भी कट गया था, यहाँ बीचों बीच कट गया, यहाँ भी कट गया, तीनों कटने के बाद देखिए ये जीव बन चुका है, देख सकते हैं बन गया हुआ है। तो आपने इसको समझ लिया पुनर्जनन के बारे में, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे देखो मुकुलन क्या होता है प्यारे बच्चों, मुकुलन, मुकुलन को समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये जो देख रहे हैं हाइड्रा का उदाहरण है, हाइड्रा में जो होता है मुकुलन के द्वारा ही सब कुछ होता है। देखिए यहां पे क्या होता है, क्या मुकुल या बर्ड, मुकुलन में क्या होता है मुकुल या बर्ड, मुकुल या बर्ड किसे कहते हैं, ये हमारे पास जो देख रहे हैं ये मुकुल या बर्ड इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो मुकुल या बर्ड द्वारा नया जीव का बनना मुकुलन कहलाता है। देखिए मुकुल या बर्ड द्वारा नया जीव का बनना ही मुकुलन कहलाता है प्यारे बच्चों। तो हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा ही नया जीव बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है, क्या है प्यारे बच्चों, ये देखिए ये थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है, एक समय आया थोड़ा सा इस तरीके से नजर आ रहा है, फिर एक समय में आया क्या, एक जीव बन गया, ये कट करके एक नया जीव बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो भाग में बट जाएंगे हाइड्रा, ठीक है, तो आपने समझ लिया। और ये सब भाग क्या है प्यारे बच्चों, तो ये भाग है स्पर्शक है प्यारे बच्चों, ये सब समझ गए स्पर्शक के बारे में और इसके बारे में भी समझ गए। तब मुकुलन, तो मुकुलन आपने समझ लिया कि हाइड्रा में जो होता है ना मुकुल या वर्ड द्वारा नया जीव बनता है उसे हम मुकुलन कहते हैं, क्लियर ना, आप समझ गए। आइए डी में समझते हैं, कायिक प्रबंधन किसे कहते हैं, कायिक प्रबंधन, पौधे के कायिक भाग
जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गया, इन सब से नए जीव का निर्माण होना, यानी नए पौधे का निर्माण होना, ऐसे कह सकते हैं, उसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया, कायिक प्रबंधन का उदाहरण ले लिया। किसका उदाहरण ले लिया हमने, कायिक प्रबंधन का उदाहरण। अब कायिक प्रबंधन का उदाहरण क्या कहता है कि कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गया, ईटीसी से होता है। तो कहता क्या है प्यारे बच्चों, कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण जो है उसके कायिक भाग से होता है। कायिक भाग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गया। अब इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। जैसे कि कायिक भाग में एक है जड़ हमारे पास, तो जड़ द्वारा देखिए कौन से पौधे का निर्माण होता है, डहेलिया हो गया, शकरकंदी हो गया। डहेलिया ये हमारे पास डहेलिया का पुष्प है, ये फूल है, ठीक है। तो डहेलिया हो गया, शकरकंदी, शकरकंदी किसे कहते हैं बाबू, अलुआ जानते हैं, गांव घर में अलुआ खाते थे, जिसे हम स्वीट पोटैटो कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, इंग्लिश में मीठा आलू जो होता है ना, उसे अलुआ कहते हैं, है ना, खेतों में निकलता है। तो ये आप देख सकते हैं ये अलुआ है ना। अलुआ को गर्म करके यानी उबाल करके दूध के साथ खाओगे, मजा आ जाएगा खाने में, है ना। अब तो पहले तो अलुआ सब जो होता है तो बैल को खिलाया जाता है, बैल जो होता है ना वो खेतों में जो हल जोतते थे, अब तो सबका समय ही खत्म हो गया। पहले लोग कितना मेहनत करते थे फिर भी वो मतलब तंदुरुस्त रहा करते थे, क्योंकि मेहनत करेंगे तो तंदुरुस्त जो है वो रहबे करेंगे, स्वस्थ रहेंगे ही। लेकिन अब जो है मेहनत कम पड़ गया, जिसकी वजह से बीमारियां भी ज्यादा बढ़ने लगी है ना। तो ये सब ऐसे ही सस्ता बिकता था पहले के जमाने में, है ना, ऐसे ही एकदम बैल को खिला दिया जाता था। तो ये आपने समझ लिए कायिक प्रबंधन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम जान लेते हैं क्या, पौधे का जनन अंग, पौधों का जनन अंग, जैसे कि अच्छा मतलब अब हमारा जो टॉपिक चलने वाला है किसके बारे में, पुष्प के बारे में। तो पुष्प के बारे में डिटेल से समझिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो पुष्प के बारे में हम क्या करते हैं बाबू, डिटेल से समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि पौधे का जनन अंग को हम क्या कहते हैं, फूल। देखिए पौधे का, अगर कोई आपसे पूछेगा कि पौधे का जनन अंग कौन होता है, तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे फूल होता है। पौधे का जनन अंग कौन होता है, तो फूल होता है। अब अगला पॉइंट जो मैंने लिया कि फूल का मुख्य कार्य जो होता है वो प्रजनन के सहायता से फल का निर्माण करना। फूल का मुख्य कार्य क्या होता है प्यारे बच्चों, तो फूल का मुख्य कार्य जो होता है ना प्रजनन के समय, प्रजनन यानी जनन के समय, जनन के सहायता से फल का निर्माण करना होता है, ठीक है। इन सबके बारे में जानेंगे, पौधे में निषेचन जब होता है तो इन दोनों के बारे में बहुत भूमिका है, सारा चीज हम डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब चर्चा करते हैं ये दोनों पॉइंट के बाद, अब मेन पॉइंट ये आता है क्योंकि हम पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पुष्प के टोटल चार भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं प्यारे बच्चों, चार भाग होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जांग, ये चार भाग होते हैं पुष्प के, है ना। और इन चारों के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो इन चारों के बारे में समझने से पहले पुष्प के थोड़ा सा बेसिक हम समझ लेते हैं, जो इस बुक में दर्शाया नहीं गया आपके एनसीईआरटी बुक में, हालांकि हमने यहाँ पे दर्शा दिया गया है, यानी वृंत को नहीं दर्शाया गया था और पुष्पासन को नहीं दर्शाया गया था, क्योंकि वृंत और पुष्पासन जो होते हैं वो फूल के भाग नहीं होते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ये डंडी जो आप देख रहे हैं निकला हुआ है ऐसे करके, इसी को वृंत कहते हैं। समझाने के लिए जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जैसे ये डंडी है ना, ये क्या है, वृंत है। क्या है, ये वृंत है। वृंत क्या करता है कि पौधे जो होता है, पुष्प का जो भी पौधा होता है वो डाली से निकलने के लिए मदद करता है, ठीक है। और जब भी हम पुष्प तोड़ते हैं ना, तो ये वृंत को ही पकड़ के तोड़ते हैं। ये वृंत जो देख रहे हैं, किसको, वृंत को ही पकड़ के तोड़ते हैं। और जब हम किसी लड़की को प्रपोज करते हैं तो इस वृंत को ही पकड़ के कहते हैं आई लव यू डार्लिंग, ऐसे करके लिखे आई लव यू डार्लिंग, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। न जाने कैसे प्यार हो गया आपको, मैंने वो क्या बोलते हैं बस स्टैंड में देखा और प्यार हो गया। आप हमसे प्यार करते हैं या ना करते हमको तो पता नहीं, अरे हट, क्या जरूरत है उसकी प्यार की, हम करते ना वही बहुत बड़ी बात है। कौन डायलॉग है भाई, कोई डायलॉग नहीं है। मतलब समझो कि जब हम प्रपोज करते हैं प्रेम दिवस के दिन जो देते हैं आई लव यू,
ए पकड़ के डंटी यानी वृंत पकड़ के देते हैं। क्या देते हैं पकड़ के? वृंत पकड़ के देते हैं। तो आपने समझ लिया वृंत के बारे में। अब यहां पे एक चीज समझाते, वृंत समझ गया, अब ये पुष्पासन क्या होता है? पुष्पासन यानी पुष्प जिस आसन पे विराजमान होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। तो पुष्पासन यानी जिस आसन पे पुष्प रहता है उसे पुष्पासन कहते हैं। जैसे कि ये देख सकती है, ये मोटा वाला भाग जो देख रहे हैं इसे पुष्पासन कहते हैं। मैं आपको पीछे समझाता पुष्पासन होता क्या है। जैसे कि देखो प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे भाग, ये इसी को हम पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पुष्पासन कहते हैं। इसी पे ये फूल जो है ना विराजमान होता है। ये क्लियर कर लिया आपने? तो पुष्पासन और वृंत को आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे नहीं इसी में पीछे है ना। तो पुष्पासन और वृंत के बारे में समझ लिया, क्योंकि आपके बुक में नहीं दिया था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा दे देते हैं, क्योंकि लड़का प्रपोज करेगा तो उसको पता नहीं रहेगा कि वो का पकड़ रहा है ना। तो अब जान जाएगा वृंत पकड़ के दे रहा है ना, आई लव यू डार्लिंग करता रहेगा है ना। जैसे ही आई लव यू बोलेगा, लड़कियां एक्सेप्ट की कि हाँ आई लव यू टू बोली, तो लड़के का उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो जाता है ना। मतलब अब से अब उसका टेंशन में ही जिंदगी कटेगा है ना। ए फन्नामा लड़का के साथ थोड़ा देख लियो, हंसित रहला की चक्कर है, कुछ है कि अब उस पर चर्चा चल गया तो समझिए कि फोन पर एक घंटा तक वही डिस्कस चलेगा। नहीं जानू, हम तुमको धोखा नहीं देते, ये काम था वो काम था, तरीके गर्दा उड़ा देगा है ना। तो ये समझ लिया और पुष्पासन भी समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है पुष्प के भाग। पहला भाग है बाह दल पुंज। तो बाह दल पुंज के बारे में समझ लेते हैं। बाह दल पुंज क्या है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये भाग जो आप देख रहे हैं, ये सब ये भाग देख रहे हैं ना, ये सब ये बाह दल पुंज है। क्या है ये? बाह दल पुंज। बाह दल पुंज क्या है? जब पुष्प की कली जब नहीं खिला रहता है तो बाह दल पुंज इसे कवर करके रखता है। मैं आपको बताता हूं कैसे कवर करके रखता है। जैसे कि ये देख सकते हैं ऊपर जो हरा कलर का होता है इसी को हम क्या कहते हैं? बाह दल पुंज कहते हैं। और ये मोटा वाला जो ये पुष्पासन है, ठीक है, तो बाह दल पुंज है ये सब, ठीक है। जब पुष्प की जो कली अंदर रहती है तो ये जो बाह दल पुंज होता है यानी बाहरी आवरण जो होता है इसको ढक करके रखता है, इसे सुरक्षित रखता है, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, जैसे ही पुष्प खिलने लगता है तो यह किस तरीके का हो जाता है? कुछ इस तरीके का हो जाता है। जैसे कि देख सकते हैं बाह दल पुंज ऐसे बिखर रहा है, क्या ऐसे बिखर रहा है, ठीक है। तो वही बात है कि बाह दल पुंज हमने आपको समझा दिया था, उधर का है भाग गहरे है ना। तो बाह दल पुंज तो यही भाग जो देख रहे हैं ऐसे बिखर के आ जाएगा। जब पुष्प खिलेगा ना तो बाह दल पुंज इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्लियर कर लिया। और बाह दल पुंज जो होता है, जिसे हमें बाह दल दिया गया है, इसे बाह दल पुंज कहते हैं। और बाह दल पुंज क्या करता है? ये हरा भाग का होता है, यानी इसका रंग जो होता है हरा होता है। बाह दल पुंज का रंग कैसा होता है? हरा होता है। यह क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जब यह भोजन बनाता है तो यह पुष्प को देता है, ठीक है। क्लियर ना, आपने समझ लिया? तो बाह दल पुंज आपने क्लियर कर लिया कि क्या होता है बाह दल पुंज। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत प्यारे बच्चों? तो इसमें हमने आपको समझाया था बाह दल पुंज के बारे में। ये पार्ट जो होता है बाह दल पुंज होता है, ठीक है। और ये जैसे ये पुष्प है ना और ज्यादा खिल जाएगा, तो जब खिल जाएगा तो बाह दल पुंज क्या होता है? नीचे की तरफ आ जाता है। और जब नीचे की तरफ आ जाता है जो पुष्पासन होता है, ये पुष्पासन ये ढक जाता है बाह दल पुंज से, क्योंकि ये जैसे ही नीचे की आएगा फूल खिलेगा तो ये पुष्पासन क्या होगा? ढक जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए बाह पुंज नीचे आ गया है और अंदर वाला जो पुष्पासन है वो ढक गया है, ठीक है। तो ये आपने क्लियर कर लिया। कोई दिक्कत बाह दल पुंज के बारे में? नहीं ना दिक्कत, आपने समझ लिया ना? हाँ भाई समझ लिया, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बाह दल पुंज हो गया, अब हम जानते हैं दल पुंज के बारे में। किसके बारे में? दल पुंज के बारे में। तो ये दल पुंज जो आप देख रहे हैं, दल पुंज जो जिसे हम पंखुड़ी कहते हैं, क्या बोलते हैं? पंखुड़ी कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये फूल की पत्तियां होती है। क्या होती है? पत्तियां होती है। ये रंग बिरंग होते हैं। कैसा होते हैं? ये रंग बिरंग होते हैं। तो फूल की पत्तियां कहां कहां तक है वो मैं आपको बता देता हूं। एक कलर लेता हूं, जिस कलर से हम आपको दर्शा के बता देता हूं। कौन सा ले ले? ये ले लेते कलर, ठीक है। अब ये देखो कौन से हमारे पास है, बाह दल पुंज यानी फूल की पत्तियां। देखो ये सब है, मैं जो कलर कर रहा हूं आप देखते जाना, ये पूरा पार्ट जो है ना हमारे पास क्या है, यही हमारे पास क्या है, दल है यानी पंखुड़ी, बोले तो फूल की पत्तियां हैं, क्लियर। हालांकि इसका हमने जिक्र यहां पे किया है, आगे हम जब आप यहां पे देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। दल पुंज के बारे में हमने पूरा लिख दिया कि यह फूल की पत्तियां होती है एवं इसका रंग जो होता है अलग अलग होता है। और यह क्या है, भंवरों को आकर्षित करता है। और दिन में जो होता है खिलने वाले फूल रंग बिरंगा होते हैं और क्या है, इसमें सुगंध कम होते हैं। एवं रात में खिलने वाले फूल सफेद होते हैं
और इसमें सुगंध ज्यादा होते हैं। ठीक है, हमने वैसे लिख दिया, आप टेंशन ना लीजिए क्योंकि नोट्स हमको देना होता है तो नोट्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने यहां पे समझ लिया किसके बारे में, दलपुंज के बारे में, यानी पंखुड़ी के बारे में, जो फूल की पत्तियां होती हैं। और ये पत्तियां रंग बिरंग होते हैं, है ना, कभी गुलाबी होगा, कभी लाल होगा, कभी पीला होगा, कभी हरा होगा, अलग अलग फूल में ये रंग बिरंग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि ये पंखुड़ी जो दिन के समय में देखिएगा, तो दिन के समय में जो भी पौधे खिलते हैं ना, यानी फूल जो खिलते हैं दिन के समय में, वो सारे के सारे रंग बिरंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि रंग बिरंगे नहीं होंगे तो भंवरा आकर्षित कैसे होगा, है ना। तो ये भंवरा को आकर्षित करते हैं, और जो दिन में जो रंग बिरंगे फूल खिलते हैं ना, उसमें सुगंध कम होते हैं। ठीक है, और रात में जो फूल खिलते हैं वो, उसे हम रात रानी भी कहते हैं, मतलब रात में जो भी फूल खिलता है वो सफेद कलर के होते हैं, और उसमें सुगंध जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो रात में खिलने वाले फूल रंग बिरंग नहीं होते हैं, केवल सफेद कलर के होते हैं और उसमें सुगंध ज्यादा होते हैं ना, कभी ज्यादा वो गमकता रहता है। ठीक है, तो ये आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, पुष्प के बारे में बोले तो ये दलपुंज के बारे में, ठीक है, तो आपने यहां पे क्लियर कर लिया, जो पुष्प के जो पत्तियां होती है उसे हम दलपुंज कहते हैं। तो आप पुष्प कोई भी देखते हैं तो वो क्या देखते हैं, आप दलपुंज देखते हैं। जैसे कि हम यहां पे आपको बता देते हैं, आप जो पुष्प देखते हैं, जैसे ये फूल है, ये सब क्या है, दलपुंज है। ठीक है, ये पुष्प है, ये क्या है, दलपुंज है, ये सब दलपुंज है प्यारे बच्चों, क्या ये सब दलपुंज है। तो ये आपने क्लियर कर लिया, कहीं दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा प्यारे बच्चों। तो दलपुंज के बारे में समझ लिया, अब पूमंग के बारे में समझेंगे और जायांग के बारे में समझेंगे। पूमंग और जायांग मिलकर के ही क्या होता है भाई, नए पुष्प का निर्माण होता है, आगे हम निषेचन की क्रिया में बताएंगे। सबसे पहले समझ लेते पूमंग और जायांग के बारे में। देखिए यहां पे, देखिए पूमंग को हम कहते हैं नर भाग, पूमंग क्या होता है नर भाग होता है, और जायांग क्या होता है मादा भाग होता है। जैसे कि पूमंग और जायांग के दोनों के बारे में बता रहे हैं, पूमंग क्या होता है नर भाग होता है, और मादा, और जायांग क्या होता है तो मादा भाग होता है। तो देखिए नर भाग में कौन आता है बाबू, पुंकेसर आता है। नर भाग कौन होते हैं, पुंकेसर होते हैं, और पुंकेसर के भी पार्ट होते हैं पराग कोष होते हैं, तंतु होते हैं। तो पराग कोष हो गया, तंतु हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, तो नर भाग कहलाएंगे। ठीक है, अब जायांग यानी मादा भाग में जो होते हैं वो स्त्री केसर होते हैं, और स्त्री केसर के भी टाइप है, जैसे कि वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, अंडास हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये सारे के सारे कहलाएंगे क्या, तो मादा भाग कहलाएंगे। तो ये मादा भाग और ये हमारे पास नर भाग हो गए। ठीक है, इसके बारे में आपने समझ लिया। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है ना कि पराग कोष से क्या होता है, पराग कण निकलता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि तंतु क्या होता है, तंतु हम आपको समझा देते हैं, यहां पे कलर लेते हैं और तंतु बता देते हैं, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता रहेगा तो दिक्कत होगा। तंतु क्या होता है, जैसे कि यहां पे देखिए ये जो पार्ट जा रहा है ऐसे करके, है ना, ये सब पार्ट जो जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। ये सब जो देख रहे हैं आप, इसको हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। तो तंतु आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत भाई, तो तंतु आपने समझ लिया कि कौन होता है तंतु। ठीक है, तंतु क्लियर हुआ। उसके बाद प्राग कोष है, तो देखो भाई बाबू ऊपर से तंतु के ऊपर जो कुछ इस तरह के संरचना देख रहे हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, तो प्राग कोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, प्राग कोष कहलाते हैं। और इसी प्राग कोष के अंदर जो होता है वो प्राग कण पाए जाते हैं। इसी प्राग कोष के अंदर ये जो देख रहे छोटे छोटे, ये सब क्या पाए जाते हैं, प्राग कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्राग कोष क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है कि प्राग कोष में क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे प्राग कण पाया जाता है। ठीक है, कोई भी आपसे पूछेगा कि प्राग कोष में क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे प्राग कण पाया जाता है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों प्राग कोष में क्या होता है, प्राग कण पाया जाता है। जो प्राग कण निकल करके क्या होता है, इस किस में आ जाता है प्यारे बच्चों, तो वर्तिकाग्र में आ जाता है। किस में हो जाता है, वर्तिकाग्र, ये देख रहे हैं वर्तिकाग्र में आ जाता है, इस वाले पार्ट में आ जाता है। ठीक है, किस में आ जाता है, इस वाले पार्ट में आ जाते हैं। अब ये कैसे आता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसी थोड़ी ना चला आता है, आने का भी रीजन है, कैसे आएगा वो सब डिस्कस करेंगे। तो आपने यहाँ पे पूमंग और जायांग के बारे में तो अभी क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम बात करते हैं फूल का जो अध्ययन करते हैं, यानी फ्लावर का जो भी स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं उसे, एंथोलॉजी बोलते हैं। तो ये आपने क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं और इस सब का भी जिक्र करेंगे। तो ये सब स्त्री केसर है ना, अब ये पुंग केसर, ये चीज तो आपने समझ लिया कि स्त्री केसर जो हो गया मादा भाग है, और पुंग केसर जो है वो नर भाग है। तो ये सब समझ लिया, आगे हम आपको बताते हैं
कि ये सब बाह दल पुंज के चर्चा कर लिए, दल पुंज के चर्चा कर लिए, उसके बाद पुमंग का भी चर्चा किए कि यह नर भाग है, पुंकेसर मतलब पुंकेसर में क्या क्या आता है, प्राकोष तंतु, ये सारे के सारे जो है वो नर भाग है ना, ठीक है। तो हमने समझा दिया था। जायांग के बारे में भी मैंने आपको बताया कि यह मादा भाग है, स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये तीनों के तीनों स्त्री केसर में आते हैं और स्त्री केसर सारे के सारे जायांग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कौन से भाग है, तो आपने समझ लिया मादा भाग, तो ये क्लियर कर लिया। इसका भी हमने पढ़ाई दिया था, सब यहाँ पे डिस्कस कर दे। बाह्य दल पुंज पुष्प जब कली अवस्था में रहता है तो तब इसे बाहर से कवर करके रखता है। बाह्य दल पुंज, दल पुंज, ये सब के बारे में हम डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं फिर से। अब प्यारे बच्चों, जैसे कि परागण, परागण होता है ना, परागण किसे कहते हैं, परागण दो टाइप के होते हैं, एक पर परागण, एक स्व परागण। इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे। कैसे समझेंगे, थोड़ा पसीना आ रहा है तो मन है पानी पी लेने का, पानी घर में होगा। तब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, तो कान के नीचे बजाएंगे भागिए जाएगा, मजाक किए हैं। जल ही जीवन है, पानी नहीं पिएंगे तो जिएंगे कैसे। अब हम समझते हैं परागण के बारे में, परागण क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, परागकण पराग कोष से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। प्यारे बच्चों यहां पे समझ लेते हैं कि क्या कहता है, परागकण पराग कोष से, पराग कोष क्या होता है प्यारे बच्चों, ये सब जो देख रहे हैं ऐसे से घुमा हुआ है ऊपर से, ये सब पराग कोष होता है। अपराग कोष में क्या होता है, परागकण होता है। अपरागकण निकल करके वर्तिकाग्र में आ जाता है, ये जो देख रहे ऊपरी भाग, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। तो वर्तिकाग्र में आ जाता है, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसके बारे में समझ लिया कि परागण किसे कहते हैं। अब हम आपसे पूछेंगे कि भाई इसमें से पराग कण निकाल करके क्या ऐसे ही चलाते अपने मन से, ऐसे नहीं आता है। ये कैसे आता है, जैसे कि अब ये पुष्प है, ठीक है, अब मधुमक्खी आ गया, भौरा आ गया, इस पर बैठ करके, मान लो कि पुष्प है, पुष्प में तो ये सब भाग इसी के अंदर है, मान लो कि इस पर बैठ गया, किसमें, पराग कोष में बैठ गया आई पर, ठीक है। अब उसके पैर में मधुमक्खी हो गया या फिर क्या बोलते हैं भौरा हो गया, उसके पैर में लग गया मान लो, तो पराग कोष उसमें लग गया, पराग कोष में तो परागकण होता है, तो उसके पैर में चिपक जाएगा मान लो गलती से इस पर बैठ गया, है ना। तो ऐसे चला आता है, ठीक है। और भी तरीके है, हवा द्वारा भी चला आता है ना, जल द्वारा भी आता है, सब अलग अलग विधियां होती है ना। हाथों से चला जाता है, वो बहुत लड़का होता है ना कि ना करके फूल रहता है, ना करके ना ना कर घुमा देता रहता हाथ से, तो ऐसे हुमिल जाता है, समझ रहे हैं ना। तो सब इसमें ऐसे करके आ जाता है। आगे देखिए क्या कहता है कि सबसे अच्छा परागण कीटों द्वारा होता है, किसके द्वारा, कीटों द्वारा होता है, कीटों जैसे कि मधुमक्खी हो गया, भौरा हो गया, इन सभी के द्वारा। वो आएगा बस मंडराएगा फूल पर, इधर उधर देखेगा, आई पर बैठ जाएगा, बैठने के बाद पैर से लग जाएगा तो हो सकता है ऊपर जाएगा, तो इसमें आ जाएगा, है ना। तो ऐसे परागण हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब पराग कोष से परागकण कैसे निकला, मधुमक्खी के द्वारा, कीटों के द्वारा निकल गया, आकर के वर्तिकाग्र पे चला गया। वर्तिकाग्र पे गया तो वर्तिकाग्र के जाने के बाद अंडाशय में आता है, तो निषेचन होता है, दूसरे फूल का निर्माण होता है, वो सब हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये सब आपने समझ लिया सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे अच्छा परागण कीटों द्वारा होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे अच्छा परागण किसके द्वारा होता है, तो कीटों के द्वारा होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब हम जानते हैं, यहाँ पे लिखा गया कि सबसे बड़े फूल, अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन होता है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे रेफलेसिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेफलेसिया। सबसे बड़ा फूल कौन होता है भाई, रेफलेसिया होता है। और देखो ये जो है ना, इंडोनेशिया के जंगल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया के जंगल में पाया जाता है। इसकी वजन लगभग 40 किलो होता है, ठीक है। कितना होता है, 40 किलो होता है। और इसमें जो होता है ना परागण जो होता है ना, वो हाथी के द्वारा होता है। अब कहोगे सर इसमें परागण जो होता है वो हाथी के द्वारा कैसे होता है, सबसे पहले ये फूल देख लो कि कैसा होता है। ये जो सबसे बड़ा फूल जो होता है, कौन है फूल, आप देख रहे हैं ना, रेफलेसिया, रेफलेसिया का फूल देख लो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास रेफलेसिया का फूल है। क्या ये रेफलेसिया का फूल है, तो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, इसके ऊपरी पार्ट ये है प्यारे बच्चों, तो ये रेफलेसिया का फूल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें
लगन कैसे होता है? तो हाथी के द्वारा होता है। आप कहोगे कैसे? तो मान लेते हैं कि जैसे शादी वादी होता है, अब दुल्हा के ऊपर फूल फेंकना है, तो बताओ इतना बड़ा फूल कैसे फेंकिएगा? पता चलेगा कि दुल्हा चपाइए कि मोर गया है ना। तो इसमें क्या होता है, हाथी आता है अपनी सूंड से, जो ऊपर वाला सूंड के आगे वाला भाग होता है, उससे क्या होता है इसके अंदर रस चूस लेता है, और चूसने के बाद जो भी होता है मतलब फूल की पत्तियां जो भी होता है वो सब चूसता है, चूसने के बाद दुल्हा फेंकता है ना। और वही मान लो तो जो चूसा है वो अगले फूल से चूस लिया, फिर अगले फूल पे वही थूथना वाला सट गया, तो फिर ऐसे क्या होगा, परागण हो जाता है ना, इस फूल से उस फूल में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, प्राकोष में से जो प्राकण होता है वो इस फूल से उस फूल में ट्रांसफर हो जाएगा हाथी के द्वारा। तो ये क्लियर हो गया, तो आपने समझ लिया है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो सबसे बड़ा फूल के बारे में समझ लिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है, जो इंडोनेशिया के जंगल में पाया जाता है, और इसमें जो है परागण जो है हाथी के द्वारा होता है। परागण किसके द्वारा होता है? हाथी के द्वारा होता है। आगे देखिए कि विश्व का सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। क्या है? विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? वुल्फिया है। ठीक है, और है इसका पौधा जल में पाया जाता है। इसका पौधा किस में पाया जाता है? जल में पाया जाता है। और यह जो है ना एशिया, ऑस्ट्रेलिया, महाद्वीप, इन तीनों में पाया जाता है। और इसके अलावा जो है प्यारे बच्चों अमेरिका के कुछ भागों में भी पाया जाता है ये फूल। ठीक है, कौन सा फूल प्यारे बच्चों? तो आपने यहाँ पे देख लिया वुल्फिया। क्या देख लिया? वुल्फिया। आइए इस फूल को हम दिखाते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि देख सकते हैं सबसे छोटा फूल यही है विश्व का, वुल्फिया। क्लियर, तो ये आपने देख लिया, कहीं दिक्कत नहीं ना दिक्कत प्यारे बच्चों। तो अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, मन होगा तो लाइक कर देना। ठीक है, ना मन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ कह सकते हैं क्योंकि आगे तुम है। तो ये सब समझ लिया। अब हम जानते हैं जो परागण जो मैंने समझा है ना, परागण कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों परागण जो होता है हवाओं द्वारा भी होता है, इसमें देखा जंतु द्वारा, हाथी के द्वारा, जो विश्व का सबसे बड़ा फूल है ना उसमें हाथी द्वारा परागण हो गया। सबसे छोटा फूल होता है उसको कीटों द्वारा परागण होता है ना। जल द्वारा भी, जो जलीय पौधे होते हैं उसमें जल द्वारा भी परागण होते हैं है ना, और हवा के भी द्वारा परागण होता है, जैसे कि गेहूं हो गया है ना। तो गेहूं में क्या होता है? हवा के द्वारा परागण होते हैं। पता चलेगा कि अगर वो कीटों के द्वारा परागण होता है तो पूरा मौसम बीत जाएगा, पता चलेगा गेहूं में नहीं लगा है ना, ऐसी खगड़ा रह गया है ना। तो ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ेंगे भाई, इसको समझेवे नहीं किए लगता है। हाँ, परागण किसे कहते हैं? तो परागण समझ लिया किसे कहते हैं, यह दो प्रकार के होते। देखिए स्वपरागण और परपरागण, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो परागण कितने प्रकार के होते हैं? स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। स्वपरागण किसे कहते हैं? कि एक ही पेड़ से परागण की क्रिया होती है, यानी इसमें क्या होता है, एक ही पेड़ से परागण की क्रिया होती है। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं ये पेड़ ए है, क्या है, ये हमारे पास पौधा ए है ना। अब यहां पे डिटेल से समझिए कि ये पौधा ए है, और एक ही पौधा के यहाँ पे देख सकते हैं दो फूल है। मान लो कि इस फूल से इस फूल पे ट्रांसफर हुआ, तो इस फूल से इस फूल में क्या हुआ, परागण हुआ। ठीक है, मान लेते क्या होते हैं, परागण हुआ। तो पौधा तो एक ही है, तो एक ही पौधे से, मैंने क्या लिखा कि एक ही पेड़ से, या एक ही पौधा लिख सकते हो, तो एक ही पेड़ से परागण की क्रिया होती है। तो मान लो इस पुष्प से इस पुष्प पर क्या हुआ, परागण की क्रिया हुई, तो इसे हम कहेंगे स्वपरागण। क्यों? क्योंकि एक ही पौधा है, क्या है, एक ही पौधा में हुआ ट्रांसफर। तो इसमें जो पुष्प बनेंगे ना वो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं बनेंगे, लो क्वालिटी के बनेंगे। ठीक है, अब मान लो कि इस पौधे से, मान लो क्या, इस पौधे से जो भी हमारे पास पराग कोष है, अपराग कोष से पराग कौन निकल करके मान लो कि इस वाले पौधे पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो पौधा ये अलग था और ये पौधा अलग था। अब जो पुष्प बनेगा थोड़ा सा मजेदार बनेगा, कैसा बनेगा, बढ़िया बनेगा, बढ़िया नस्ल का बनेगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया? हाँ भाई समझ लिया। तो आपने क्या दिखा, परपरागण का उदाहरण कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ में परागण की क्रिया को क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। और स्वपरागण क्या कहते हैं, एक ही पेड़ के फूल से है ना दूसरे फूल में परागण की क्रिया को क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, है ना। जैसे एक ही पेड़ है तो एक ही पेड़ के पहले फूल से दूसरे फूल में परागण की क्रिया को क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ये सब आपने क्लियर कर लिया स्वपरागण और परपरागण के बारे में। डाउट क्लियर हुआ ना? हाँ भाई आपने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे चीज मैं आपको समझाता हूं। आगे देखिए इसमें समझ लेते हैं निषेचन के बारे में, है ना। निषेचन के बारे में ये जो पार्ट देख रहे हैं इसी में हम समझेंगे किसके बारे में, निषेचन के बारे में। निषेचन क्या कहता है कि परागकण
पराग कोष से वर्तिकाग्र और वर्तिका से अंडाशय में पहुंचने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूं, हालांकि ये अंडाशय का ही सब चित्र सब है, हम आपको बता दो ये जो चित्र है ना ये कहां पे वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ओके, निषेचन किसे कहते हैं उसको हम इसकी मदद समझते हैं। ये जो प्यारे बच्चों हम कौन सा भाग है, यह देखो यहां पे जो आप देख रहे हैं ना किस भाग में वो जो हम लिए थे, देखो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट यहां से ब्लैक में हम ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ना यही हमारे पास है ना, इसी चित्र में हम समझेंगे निषेचन को। ये जो फिगर देख रहे हैं ना, ये फिगर जो मैंने रेखा किया इसी को हमने क्या किया बड़ा करके यहां पे दर्शा दिया है ना, उसी चीज को इसमें हम समझेंगे निषेचन की क्रिया विधि को, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के बुक में है सब दिया हुआ है, इसको हम समझाते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं कि निषेचन आखिर कहते किसे प्यारे बच्चों, तो निषेचन समझो जैसे कि आपने क्या लिखा कि जैसे कि ये हमारे पास क्या, ये पार्ट क्या है हमारे पास, है ना। तो ये पार्ट जो देख रहे हैं नीचे वाला तंतु है और ऊपर वाला ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं पराग कोष। तो पराग कोष से पराग कण निकलता है, तो पराग कोष से क्या हुआ पराग कण निकल करके कहां गया तो वर्तिकाग्र में गया, वर्तिकाग्र से कहां गया वर्तिका में, और वर्तिका से कहां पहुंच गया अंडाशय में पहुंच गया, यानी यहां पर पहुंच गया, ठीक है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं निषेचन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि निषेचन किसे कहते हैं तो आप कहना कि पराग कोष से पराग निकल करके वर्तिकाग्र में आना तथा वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचना, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं निषेचन कहते हैं। तो आपने निषेचन का डिफिनेशन क्लियर कर लिया। अब इसी निषेचन को हम डिटेल में समझते हैं यहां पर इस फिगर की मदद से जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा समझाने के लिए इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें तंतु का निर्माण कर देते हैं। जैसे तंतु इस तरीके से, ये हमारे पास तंतु है, इधर हमने तंतु बना दिया, ऐसे तंतु बना दिया, ऊपर से पराग कोष डाल दिया, इसके अंदर पराग कण हो गए, है ना। तो ये लो हमने यहां पे लगा करके समझा दिया, हालांकि ये वाला चित्र सिर्फ अभी निकाल करके मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों जैसे कि ये हमारे पास क्या है पराग कोष है, पराग कोष से पराग कण निकल करके कहां आ गया प्यारे बच्चों तो वर्तिकाग्र में। ये जो पार्ट देख रहे हैं ना ये हमारे पास क्या है, ये वर्तिकाग्र है, ये ऊपरी भाग जो देख रहे हैं वर्तिकाग्र है। तो वर्तिकाग्र में क्या आ गया पराग कण आ गया। अब पराग कण क्या हुआ ऐसे नीचे गया नरयुग्म, जो वहां से आया वो नरयुग्म है, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे गया, जो हमारे पास पराग कण निकल करके आ गया वो क्या था नरयुग्म ही था, समझ रहे हैं ना। मैंने क्या बताया था पुष्प में, हमने आपको समझा दिया था ना भाई नरयुग्म, देखो ये सब क्या नरयुग्म है, है ना। पुंके सर ये सब जितने भी भाग इसे जो भी निकलेगा वो नर भाग ही तो होंगे, तो वही बात है वहां पे लिख दिया मैंने, ठीक है। मादा वाले भाग में नर वाला भाग जा रहा है, ये देखो छोटा सा ये जा रहा है ऐसे, है ना, नरयुग्म हो गया। उसके बाद क्या पराग नली में जाते हुए यहां तक पहुंच जाता है, किसमें तो अंडाशय में पहुंच जाता है। तो इसमें अब हम क्या समझ लेते हैं प्यारे बच्चों कैसे होता है। प्यारे बच्चों यहां पे एक चीज क्लियर करते हैं कि पुष्प के अंडाशय में, पुष्प के अंडाशय में अंडा की संख्या कितना होती है तो आप कहेंगे तीन होती है। यहां पे हमने लिख दिया होगा कहीं पे, है ना, पुष्प के मैंने कहीं पे लिखा पुष्प में तीन अंडा रहते हैं। पुष्प में कितने अंडा रहते हैं, तीन अंडा रहते हैं। देखो यहाँ पे तीन अंडा है, एक अंडा दो अंडा तीन अंडा दिख रहा है ना। आप अपना बुक निकाल करके देखेंगे यहाँ पे तीन अंडा होगा, एक अंडा दो अंडा तीन अंडा। एग्जाम में पूछ दिया जाता है अंडाशय की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे तीन, यहाँ पे मतलब अंडाशय में अंडा की संख्या, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। तो तीन है प्यारे बच्चों, ये आपने क्लियर कर लिया। हाँ भाई आपने क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। चलिए अब यहां पे हमारे पास तीन होते हैं, अब क्या होगा कि यहां से जैसे ही हमारे पास क्या हो गया वो जो आएगा, वो जो आप देख रहे हैं ना क्या बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं वो जो निकले थे मतलब मन में, हाँ फिर से क्लियर करते हैं, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है प्यारे बच्चों। तो नर युग्मक जो निकल करके आया था पराग कण, पराग कोष से निकल करके, ये सब कहां क्या गो पराग कण आता है ये मैं आपको बता दूं, तीन गो पराग कण आता है। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं एक दो तीन चार टोटल ऐसे दिख रहा है। तो जो भी पराग कण आएंगे, जो भी पराग कण आएंगे, तो भाई देखो ये कोई यह अंडा है और इसमें से एक गो पराग कण गया तो यहां पे मिल गया, यहां पे दो गो नजर आएगा, देख लेना आपके बुक में एनसीईआरटी का बुक निकालना। यहां पे दो गो है, कितने हैं दो गो है, इन दोनों मिला मतलब एक गो अंडा मिला और एक गो परागन मिला। तो दोनों जब मिल गया प्यारे बच्चों, तब मिलने के बाद जब मिला तो इसको क्या बोलेंगे युग्मनज बोलेंगे, और यही युग्मनज क्या होगा भ्रूण का निर्माण कर लेगा, और यही भ्रूण बाद में क्या होगा
फल बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा, यानी फूल बन जाएगा फल से, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया इस क्रिया को, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। और जैसे ही बनेगा फिर अगला एक नस्ल का एक हमारे पास फल निकल जाएगा या फिर कह लो पुष्प निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते परागण, परागण क्या होता है, वर्तिकाग्र में होता है, परागण किस में होता है, वर्तिकाग्र में होता है, यहाँ पे देख लो वर्तिकाग्र में ये परागण आता है, ठीक है। परागण, हाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि परागण किस में होता है, प्यारे बच्चों अगर आपसे कोई पूछेगा कि परागण किस में होता है तो वर्तिकाग्र में होता है, ठीक है, क्योंकि परागण जो होता है ना वो वर्तिकाग्र में ही होता है, ये आपने क्लियर कर लिया। निषेचन, निषेचन क्या होता है, अंडाशय में होता है, यहाँ पे जो देख रहे हैं निषेचन जो भी होता है वो किस में होता है, अंडाशय में होता है, ठीक है। निषेचन, निषेचन जो है ना, निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है, भ्रूण या भ्रूणकोश बनता है, निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, भ्रूण या भ्रूणकोश बनता है, जैसा कि यहाँ पे भ्रूण बना था, भ्रूण से वो फल बन गया, ठीक है। तथा भ्रूणकोश साइड में भी बनता है, वो भ्रूणकोश क्या करता है, जो हमारे पास फल बना रहता है उसको भोजन प्रदान करता रहता है, ठीक है, ये क्लियर कर लिया। पुष्प, पुष्प में तीन अंडा होते हैं, पुष्प में कितने अंडा होते हैं, तीन अंडा होते हैं। तो ये सब आपने क्या किया, क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत भाई। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है, यहां पे देख सकते हो कि एक तरफ हमारे पास है मादा जनन तंत्र और एक तरफ है नर जनन तंत्र। तो मानव का ये हमारे पास क्या है, मादा जनन तंत्र है, और इस तरफ क्या है, नर जनन तंत्र है, ठीक है, क्या ये नर जनन तंत्र है। इन दोनों के बारे में जानेंगे, दोनों एक साथ इसलिए ले लिए हैं ताकि हम आपको अच्छे से समझा सके, ठीक है। सबसे पहले नर जनन तंत्र समझते हैं, नर जनन तंत्र का आपके एनसीईआरटी बुक में यानी कक्षा 10 में कोई ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है ना, आइए बताते हैं। प्यारे बच्चों ये जो पार्ट देख रहे हैं ये नरजनन तंत्र है, सबसे पहले हम ये वाला मेन पार्ट से हम समझाते हैं। नरजनन तंत्र इसलिए लिया जाता है ताकि इसमें बताया जाता है कि कैसे बच्चा पैदा होता है, कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है, है ना, एक बार में पंप करने पर शुक्राणु कितना एमएल निकलता है और उतना एमएल में कितना मतलब शुक्राणु पाया जाता है, कैसे नाश होता है ना, कैसे बच्चा उच्चा पैदा होता है, जुड़वा कैसे होता है, एक शक्ल का कैसे जुड़वा होता है, दो शक्ल का जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होता है, ये सब हम जानेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये क्या है हमारे पास, इसे जो बाहरी आवरण देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं, क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। और वृषण कोष के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, वृषण होता है, वृषण किसे कहते हैं, जो दो टांगों के, अब लड़का है तो समझ सकते हैं, दो टांगों के बीच लटका हुआ भाग होगा, आप देख रहे हैं ये पार्ट तो आप समझ ही रही क्या चीज है, है ना, पेशाब करने वाला, सुसु करने वाला, स्पर्म को बाहर करने वाला ये पार्ट है, और उसके जस्ट पीछे ये दो टांगों के बीच ये लटका होता है ना, तो लटका हुआ भाग है, इसी को हम वृषण कहते हैं। और वृषण किस में होता है, वृषण कोष में ये बंद होता है यानी सुरक्षित होता है, ठीक है। और कितने वृषण होते हैं, दो वृषण होते हैं, दुगना गोली होता है ना, दो गोली जो कहते हैं, दोनों देखिएगा दो गोली नजर आएगा, है ना, उसी को वृषण कहते हैं, ठीक है ना। और वही वृषण क्या करता है, शुक्राणु को निर्माण करता है। अच्छा मन में एक ये सवाल आएगा कि बॉडी के अंदर देख रहे किडनी है ना, फेफड़ा है, लीवर है, तो कुछ देख रहे हैं कि पार्ट सब 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 अंदर है, शरीर के क्या अंदर है, लेकिन ये जो है, ये जो दो टांगों के बीच काहे लटका दिया हुआ, ये शरीर के बाहर काहे है, ये शरीर के बाहर काहे है ये वृषण, आपके मन में ये सवाल आएगा, ये सब शरीर के बाहर क्यों है, तो बताइए हम आपको समझा देते हैं। शरीर के बाहर इसलिए है क्योंकि पता है आपको जो वृषण होता है ना वो किसका निर्माण करता है, तो स्पर्म का निर्माण करता है। और जैसे ही वृषण स्पर्म का निर्माण नहीं करेगा तो समझ जाना उसे बच्चा पैदा नहीं होगा, ठीक है। तो वृषण क्या करता है, स्पर्म का निर्माण करता है, लेकिन स्पर्म का निर्माण ये करेगा कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तो सबसे पहले समझिए हमारा शरीर है, शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37-38 डिग्री हो जाता है, ठीक है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है शरीर का टेम्परेचर, बॉडी का कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस तापमान, याद रखना। लेकिन वृषण जो होता है ना वो स्पर्म का निर्माण कब करेगा, है ना, यानी शुक्राणुओं का निर्माण कब करेगा, वो तभी कर सकता है जब 37 डिग्री से कम टेम्परेचर हो, तभी कर सकता है। अब आप ये बताइए कि ये जो है आप देख रहे वृषण, इसको अगर बॉडी के अंदर घुसा देता है ना, तो क्या शुक्राणु का निर्माण होता, नहीं होता, क्योंकि बॉडी के अंदर जो आप देख रहे हैं ना वो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये जो वृषण है स्पर्म का निर्माण नहीं कर पाएगा, यानी शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो भगवान ने दिमाग लगाया कि ना भैया इसको दो टांगों के बीच लटका दो, तो इसको लटका दिया गया है, ठीक है, तो इसीलिए लटका दिया ताकि ये स्पर्म का निर्माण कर सके। तो स्पर्म का निर्माण कब करेगा, जब 37 डिग्री से
कम टेम्परेचर रहेगा तब। अरे बाप रे, चूहा घुस गया था इसलिए डर लग गया है, समझ रहे हैं ना, एकदम हनानाद हमको लेकर गिरा उड़ा देगा, है ना। लगता है चूहा को बात हजम नहीं हुआ, वो कह रहा है कि हमारे बारे में बताइए, थोड़ा बाद में बता देंगे तुम्हारे बारे में, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया शुक्राणु का निर्माण करता है। अब ये जो शुक्राणु होता है ना, शुक्रवाहिनी, ये जो आप देख रहे हैं शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी ये जो आप देख रही है ये पार, ये शुक्रवाहिनी है, ठीक है। तो शुक्रवाहिनी से क्या शुक्राणु, शुक्रवाहिनी मतलब शुक्राणु का रास्ता हो जिसमें शुक्राणु बहता हो उसे शुक्रवाहिनी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें शुक्राणु होते हुए जाता है, ऐसे शुक्राणु होते हुए जाता है कब, सेक्स के दौरान, ठीक है। इसमें से क्या होता है, सेक्स के दौरान निकलता है शुक्राणु यानी स्पर्म। शुक्राणु कैसा होता है प्यारे बच्चों, तो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे मुंह पर कुछ इस तरीके होता है, ये शुक्राणु होता है। तो ई वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको माइटोकांड्रिया कहते हैं। माइटोकांड्रिया जब रहता है तो इसको क्या करता है, क्योंकि आगे की ओर धकेलता है, माइटोकांड्रिया क्या करता है, इसको आगे की तरफ धकेलता है, ठीक है, ओके। तो ये आपने समझ लिया, तो शुक्रवाहिनी बहता है और सेक्स के दौरान क्या होता है, इसी रास्ते से निकल जाता है प्यारे बच्चों। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, हम यहां पे देख रहे भाई छिद्र तो यहां एक गो है, मतलब इसी छिद्र में है पेशाबो करेंगे तब बाहर जाएगा यानी पानी निकलेगा, यूरिन जो होता है वो, है ना, इसी छिद्र में है। और ये जो आप देख रहे हैं स्पर्म, है ना, स्पर्म भी तो भाई इसी छिद्र में निकलेगा, तो ये काम कैसे करता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे देखिएगा पेशाब के द्वारा ही शुक्राणु निकलने लगता है, है ना। तो उस स्थिति में भाई तो उसको तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना, अगर पेशाब पेशाब करेगा मान लो और इसी रास्ते से शुक्राणु निकल जाएगा तो फिर ये तो बहुत गंभीर सवाल हो गया, है ना, इलाज कराना पड़ जाएगा। तो कैसे निकलता है कैसे नहीं निकलता है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं इस पार्ट को हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, ठीक है, जान लेते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे ही अगर सेक्स करते रहते हैं, कोई भी हम हो या आप हो, कोई भी सेक्स करेगा, ठीक है, तो सेक्स जब करेगा तो क्या होगा, जब शुक्राणु आ रहा होगा तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि कहेगा एक दिमाग अब सेक्स के दौरान जा रहा है, कहेगा सेक्स करने वाला है, ये क्या करेगा यहां से हट जाएगा, मतलब इसका रास्ता जो शुक्राणु का रास्ता खोल देगा, क्या करेगा खोल देगा। तो खोल देगा तो इसमें है क्या हो जाएगा, स्पर्म जो है वो गिर जाएगा, कहां जहां गिराना है वो हस्तमैथुन करे, मतलब हस्तमैथुन क्या होता है कि बिना सेक्स की सेक्स फील करना, बहुत सारे लड़के ऐसा करते रहते हैं नवयुवा खास करके, है ना, है ना। तो आपने ये समझ लिया, तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है हट जाता है, तो उस हिसाब से क्या होता है उसमें से शुक्राणु निकल जाता है प्यारे बच्चों। अब ये जो देख रहे हैं ना ये हमारे पास क्या है, मूत्राशय है। अब इसमें यूरिन जमा रहता है, मूत्राशय सब इस सब के बारे में, कैसे पेशाब होता है, कैसे से कैसे बनता है, इस सब के बारे में हम आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिए थे बायोलॉजी के जय प्रक्रम में पाचन तंत्र में, है ना। तो उसके आप ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। और जब पेशाब लगता है तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है, ये जो आप देख रहे हैं ना वृषण बोले तो शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी के रास्ता को बंद कर देता है। ये क्या होता है, इस साइड आ जाता है यानी बंद कर देता है इस वाले रास्ते को, इस वाले रास्ते को बंद कर देता है और ये वाला रास्ता खोल देता है, तो इसे होकर के पेशाब निकल जाता है। तो किस तरीके से हो रहा है आपने देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि कमजोर भी हो जाता है। कमजोर जब होगा ना तो जैसे सपना देखें, स्वप्न दोष होता है जिसे नाइट फेल कहते हैं। तो नाइट फेल कैसे हो जाता है आप जानते हैं, नाइट फेल होता है कब, जब प्रोस्टेट ग्रंथि कमजोर हो जाता है। ज्यादातर देखिएगा जो लड़का ज्यादातर हस्तमैथुन करेगा, है ना, तो हस्तमैथुन ज्यादातर करेगा तो समझ आ कि उसका प्रोस्टेट ग्रंथि कमजोर हो जाएगा। और किसी लड़की के ख्याल में जब ही आएगा रात में सपना देखेगा तो इतना कमजोर हो गया रहेगा, ये फटाक से हटेगा और उसका पानी गिर जाएगा, तो उसे कहेंगे नाइट फेल हो गया, है ना, स्वप्न दोष हो गया, ऐसे तो भाई बहुत ऊर्जा नष्ट हो जाएगा, है ना। तो ज्यादा हस्तमैथुन ना करो, ठीक है। अब याद रखना कि ज्यादा हस्तमैथुन करने से जो प्रोस्टेट ग्रंथि वो कमजोर हो जाता है, कमजोर होने के बाद इसे इसमें प्रोस्टेट कैंसर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रोस्टेट कैंसर हो जाते हैं। तो ज्यादा हस्तमैथुन क्या होता है, करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार करेंगे तो तुरंत फिर एक दो दिन बाद फिर मन करेगा करने का, ठीक है, ये सब ऐसा चीज होता है, ठीक है, ओके। तो ये आपने समझ लिया भाई, हाँ भाई क्लियर कर लिया, क्लियर हुआ कैसे शुक्राणु निकलता है बाहर। अब यही शुक्राणु मान लो कि भाई ये कहाँ, अब ऐसी थोड़ी ना, कोई तो बिना सेक्स के सेक्स फीलिंग करता है वो हस्तमैथुन करता है, लेकिन जिसके पास जुगाड़ है वो अपना सेक्स करेगा, है ना, समझ रहे हैं ना, जिसके पास गर्लफ्रेंड वगैरह सब है वो सब, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब इसमें समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, मानव का जनन तंत्र है। अब जनन तंत्र के बारे में
है ना, मानव का मादा जनन तंत्र है। तो मादा जनन तंत्र के बारे में समझ लेते हैं कि किस तरीके से यह शुक्राणु निकलता है और शुक्राणु निकालने के बाद योनि में जाता है, जाने के बाद किस तरह के शुक्राणु इसमें, मतलब शिश्न जो है इसका, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये पार्ट कैसे इसमें प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद कैसे शुक्राणु निकलता है, कहाँ जाता है, कैसे बच्चा पैदा होता है, अब ये अब हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मानव का मादा जनन तंत्र प्यारे बच्चों, और ये था नर जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में आप देखिए ये पार्ट को, तो ये हमारे पास क्या है, अंडाशय है। क्या ये हमारे पास अंडाशय है, यहां भी देख रहे हो, तो मतलब समझ जाओ कि महिला में टोटल कितने अंडाशय होते हैं, तो आप कहेंगे दो अंडाशय होते हैं, एक ये अंडाशय एक ये अंडाशय, दो अंडाशय होते हैं। कितने अंडाशय, अंडाशय की संख्या कितनी होती है, दो अंडाशय होते हैं, और जो भी अंडाशय होता है वो अंडाणु का निर्माण करता है, ठीक है। क्या करता है, अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है, और लड़का में जो होता है वृषण, देखिए इसके दो अंडाशय होते हैं और इसमें भी वृषण में दो गोली होते हैं, दो अंडाकार के होते हैं, तो इसका अंडाशय जो होता है कि ये पार्ट है कि ये पार्ट क्या निर्माण करता है, अंडाणु निर्माण करता है। और लड़का सबके जो ये देख रहे हैं वृषण, वृषण मतलब वृषण कोष के अंदर जो दो गो वृषण होता है अंडाकार, है ना, वो क्या करता है, स्पर्म का निर्माण करता है, यानी शुक्राणु का निर्माण करता है, ठीक है। क्योंकि जब तक शुक्राणु अंडाणु का मिलन नहीं होगा तब तक बच्चा उच्चा पैदा नहीं होगा, ठीक है। तो आपने समझ लिया, तो ये निकालता है अंडाशय, निकालता है क्या, अंडाणु, ये आपने क्लियर कर लिया। अच्छा ये जो पार्ट देख रहे, ये नली, ये क्या है, ये अंडवाहिनी है, फिलोपियन ट्यूब कह लो या डिम्ब वाहिनी कह लो, तीनों एक ही बात है। इस पार्ट को क्या कहते हैं, अंडवाहिनी, डिम्ब वाहिनी या फिलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, कि अंडाशय निकलता है अंडाणु, क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है, ठीक है। तो अंडाणु निकल करके ये खुद से नहीं ससरेगा, क्यों, क्यों नहीं ससर सकता अंडाणु, क्योंकि इसमें माइटोकांड्रिया नहीं होता है, इसलिए ससर के नहीं आ सकता है। लेकिन ये जो पुरुष का जो होता है, वो जो हमारे पास शुक्राणु निकलता है, शुक्राणु ये जो आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, शुक्राणु है, शुक्राणु की ये सब क्या है, माइटोकांड्रिया है। तो ये क्या होता है, ये इधर उधर घूमता रहता है, जेनी मन तनी घुस जाता रहता है ना, क्योंकि माइटोकांड्रिया क्या करता है, आगे की ओर शुक्राणु को धकेलता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां पे ये समझ लिया। अब देखो हम बता रहे हैं कि कैसे बच्चे का निर्माण होता है, तो इसमें से शुक्राणु निकलेगा। अब मान लो कि एक बार जैसे शुक्राणु निकला, तो जैसे एक बार सेक्स किया, तो सेक्स के दौरान एक बार तो मतलब शुक्राणु निकलेगा, तो एक बार में कितना ml शुक्राणु निकलता है प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 7 ml, 7 ml ठीक लिखे हैं, हाँ 7 ml शुक्राणु निकलता है। और इसमें टोटल शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, 20 लाख होती है, कितनी होती है, 20 लाख होती है, कितनी, 20 लाख होती है। ये आपने क्लियर किया, हाँ भाई। तो शुक्राणु निकलेगा कैसे, जब तक योनि में प्रवेश नहीं करेगा तब तक, योनि क्या होता है, बस ये जो है ना ये रास्ता है, सिर्फ अंदर लेने का योनि एक रास्ता है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे देख रही है ग्रीवा है, योनि के अंदर भी एक छिद्र होता है जिसे हम ग्रीवा कहते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीवा कहते हैं। और ग्रीवा से क्या होता है, यहाँ से बस क्या होता है, शुक्राणु चला जाता है पुरुष का, क्या होता है, शुक्राणु ऐसे करके क्या होता है, शुक्राणु बहुत मात्रा में शुक्राणु निकलता है। शुक्राणु क्या होता है, कुछ ऊपर की तरफ भाग जाता है, कुछ इधर भाग जाता है, कुछ इधर भाग जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। शुक्राणु ऐसे ऐसे भागता रहता है। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, कि शुक्राणु जो पहुंचता है ना, टोटल कोई एक ही शुक्राणु पहुंच पाता है, कितने शुक्राणु, कोई एक ही शुक्राणु पहुंच पाता है, इस बात को ध्यान रखना, बाकी रास्ते में ही खत्म हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है शुक्राणु का, तो लगभग वही 20 मिनट होता है, इसका जीवन काल कितना होता है, 20 मिनट होता है शुक्राणु का, ठीक है। अतः जैसे ही अब मान लो कि अंडाशय से ये अंडाणु निकला, अब अंडाणु निकला मान लो, तो अंडाणु निकलने के बाद इस रास्ते से जाएगा और शुक्राणु इसमें इंटर कर लेगा, क्या होगा, इंटर करेगा। तो इंटर जब ही ये करेगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हुआ। जब शुक्राणु अंडाणु का मिलन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, युग्मनज कहते हैं, या कह लो तो जाइगोट कहते हैं, ठीक है। और यही जाइगोट क्या होता है, या फिर निषेचन कह सकते हो, और यही क्या होता है, जब मिलता है, मिलने के बाद इस रास्ते से ससर करके कहां जाता है, यूट्रस में आ जाता है, यानी गर्भाशय में आ जाता है, कहां जाता है, गर्भाशय में आ जाता है। और इस गर्भाशय में जब तक वो बच्चा रहता है, उसे हम भ्रूण कहते हैं। देखो माँ के पेट में जब तक वो बच्चा रहता है, तब तक उसे हम बच्चा नहीं कहते, उसे भ्रूण कहते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं। और माँ के पेट में ही अपना ये भोजन पानी करता रहता है प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है। आपने ये समझ लिया, नाभि से कनेक्ट रहता है प्लेसेंटा, उससे क्या होता है, ये अपना भोजन पानी करता रहता है, क्लियर। तो ऐसे बच्चे का निर्माण होता है, लगभग ये क्रिया 9 महीना
नहीं संपन्न होता है, 9 महीने के बाद क्या होता है, निकल जाता है बच्चा, ठीक है। तो ये आपने क्लियर कर लिया, तो ये तो देख लिया कि नॉर्मल सा कि बच्चे का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज आपको और समझाएंगे, इसमें क्या समझाएंगे प्यारे बच्चों, कि जैसे बच्चे का निर्माण होता है, अब मान लो कि बच्चे जैसे कि इधर से शुक्राणु भेजा, तो वो योनि जो है शुक्राणु जब ग्रहण किया, तो एक बच्चे का निर्माण कब होगा, कब होगा भाई, इसमें भी नियम है, जब वो पीरियड जब आती है, पीरियड के बाद होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि 1 तारीख को कोई लड़की पीरियड बोले तो एमसी बोले तो रजोधर्म, ठीक है, या मासिक धर्म कह सकते हैं, एमसी यानी पीरियड समझो, पीरियड जो होता है ना किसी कोई भी आता है तो वो कितना दिन तक रहता है, इसका अवधि कितना है, 2 से 8 दिन होता है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया, आप पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो पीरियड होता है एमसी जो है इसका जीवन काल कितना, 2 से 8 दिन तक होता है, ठीक है। कोई कोई 4 दिन में समाप्त हो जाता है, कोई कोई 3 दिन में, कोई कोई 5 दिन में, तो इसीलिए 2 से 8 दिन लिया गया है, ठीक है, कोई 3 दिन में समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। अब मान लो कि कोई 1 तारीख को पीरियड उसका आया, ठीक है, तो 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में अगर सेक्स करती है लड़की लड़के के साथ, तो वो बच्चे का जन्म नहीं दे सकती, यानी वो प्रेग्नेंट नहीं होगा 1 से 7, क्योंकि वो 1 तारीख को पीरियड हुई और 7 तारीख तक, 1 से लेकर के 7 तक के बीच में वो बच्चे का जन्म नहीं दे सकती, उस समय पीरियड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय अंडाशय जो होता है, उस समय अंडाशय जो होता है वो अंडाणु तैयार ही करता रहता है, ठीक है, इसलिए वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। अब इसके बाद देखिए भाई, 7 से देखिए भाई 14 तक इसके बीच में अगर सेक्स करती है तो प्रेगनेंसी सिक्योर हो जाएगा। 14 से लेकर के 21 तक इसमें सेक्स करता है, करती है, करता है जो भी लड़का लड़की मिलकर के, तो इसमें प्रेगनेंसी सिक्योर होगा, इसमें वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन अब 21 से 28 के बीच ऐसे कह लो, 21 से 28 के बीच, ठीक है, इसमें वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, या 22 से 28 ऐसे कह लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 21 से 28 के बीच वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, इसमें प्रेग्नेंट नहीं होगी, इसमें प्रेग्नेंट नहीं होगी, मतलब समझो कि 14 दिन समझो कि प्रेग्नेंट होने का चांस रहता है, 14 दिन प्रेग्नेंट होने का नहीं चांस रहता, ये आपने समझ लिया। क्योंकि देखो इस 14 दिन में क्या होता है, हमारे पास जो अंडाणु निकलता है, यानी अंडाशय जो अंडाणु निकलता है, उस इतने दिन तक वो ठीक ठाक रहता है ना, उसके बाद वो खराब हो जाता है, और खराब होने के बाद वही अंडाणु जो होता है पीरियड के रास्ते से, यानी ब्लड के रास्ते से वो बाहर निकल जाता है। तो आपने इस क्रिया को समझ लिया है ना, कि सेक्स कब करेंगे तब बच्चा पैदा होगा, न करेंगे तब न पैदा होगा, है ना। अगर नहीं करना है तो कंडोम लगा के कर सकते हो, जिसे मतलब प्रोटेक्शन कहते हैं, है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब मन की बात है। तो ये आपने क्लियर कर लिया। अब हम समझते हैं कि बच्चा तो आपने समझ लिया सब कुछ, अब ये समझेंगे भाई कि जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होता है ना। तो फटाक से ही, अरे है, हाँ ये पेन सेलेक्ट करते हैं, जुड़वा बच्चा, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे क्या है, अंडाणु है, यहाँ भी अंडाणु है ना, इस तरीके से फिलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, जो भी है सब, मतलब समझाने के लिए समझ जाओ यहाँ पे, ठीक है, समझ लो भाई कैसे समझना है। ओके, देखो भाई क्या होता है, इसमें समझाते हैं, कभी कभी क्या होता है, और याद रखना ये जो अंडाशय अंडाणु कैसे निकलता है वो भी देखना, 2 अंडाशय होता है ना, तो अगर मान लो कि अगर इस महीना में, मान लो कि ये महीना समझो कि जनवरी है, तो जनवरी में प्यारे बच्चों अगर ये अंडाशय अंडाणु निकाला, तो इस जनवरी में ये अंडाशय जो है वो अंडाणु नहीं निकालेगा, ठीक है, फिर ये फरवरी में निकालेगा, अब ये फरवरी में निकालेगा तो ये मार्च में निकालेगा, मतलब दोनों अंडाशय जो है अंडाणु नहीं निकालता है, एक महीना ये अंडाशय अंडाणु निकालेगा तो एक महीना ये नहीं निकालेगा, फिर ये अगला महीना में निकालेगा, अभी अगला महीना में निकाल लिया, फिर ये अगला महीना में निकालेगा, ऐसे चलता है, एक महीना ये निकालेगा, एक महीना ये निकालेगा, एक महीना ये नहीं निकालेगा, एक महीना ये निकालेगा, मतलब ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे मान लो कि ये अंडाशय क्या किया, अंडाशय से अंडाणु निकाल लिया, क्या निकाल लिया, अंडाणु निकाल लिया, तो जुड़वा बच्चा हम आपको समझा रहे थे ना, क्या समझा रहे थे भाई, जुड़वा बच्चा समझा रहे थे ना, तो वो जुड़वा बच्चा आपको समझना है, कैसे समझना है, जो देखिए कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों कि अंडाशय कभी कभी 2 अंडाणु निकाल देता है और यहाँ पे वो दोनों रह जाता है। अब इधर से स्पर्म गया हनहनाइते, क्या किया, स्पर्म हनहनाइते गया इधर, तो स्पर्म क्या होता है, मान लो कि एक स्पर्म इसमें इंटर किया है ना, तो यहाँ पे अंडाशय 2 था, क्या था, अंडाशय 2 था, अब दोनों अंडाशय में एक स्पर्म घुस गया,
दोनों अंडाशय में क्या हो गया, एक स्पर्म घुस गया। मान लो यहां पे कि यहां पे अंडाशय था, ये भी अंडाशय था, इसमें क्या हुआ भाई, दो यानी एक ही स्पर्म दोनों अंडाशय में घुस गया, तो भाई इसमें भी चला गया, इसमें भी चला गया। तो इस स्थिति में क्या होगा, जुड़वा बच्चा पैदा होंगे और इसका शकल जो होगा वो कैसा होगा, समान होगा। कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, एक और जुड़वा बच्चा होता है, मान लो कि एक ही अंडाशय है, क्या एक ही अंडाशय है, और शुक्राणु की संख्या अगर दो इंटर कर दिया, कितने, दो शुक्राणु इसमें चला गया, तो जब दो शुक्राणु इसमें चला गया तो ये शुक्राणु अलग टाइप का रहेगा, ये शुक्राणु अलग टाइप का रहेगा, तो इसमें भी जुड़वा बच्चा पैदा होंगे लेकिन दोनों का शकल अलग अलग होंगे। तो ये आपने क्लियर कर लिया, हाँ भाई ये भी आपने क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत प्यारे बच्चों, तो आपने सब कुछ क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अंडाशय से जो अंडाणु निकलता है और ये जो शुक्राणु मिलता है, तो भाई अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कहाँ होता है प्यारे बच्चों, तो इस नली में होता है। किस नली में, इस नली में होता है, यानी फिलोपियन ट्यूब में होता है प्यारे बच्चों, है ना, किस में होता है, फिलोपियन ट्यूब में। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर कोई महिला का नसबंदी होता है, एक्चुअल में नसबंदी जो हम लोग कहते हैं ना, नसबंदी उसका नहीं होता महिला का, उसका नलबंदी होता है, लड़का का नसबंदी होता है, लड़की का नलबंदी होता है। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों लड़का में यानी लड़की में जो होता है ना, अगर उसको मान लो कि बच्चा पैदा नहीं करना है, कि हाँ अब हो गया, दो बच्चा पैदा हो गया, अब जो है ना अब कर दीजिए नलबंदी, तो वो क्या करेगा, यही फिलोपियन ट्यूब जो होता है ना, इस फिलोपियन ट्यूब को यहां से काट देगा, इस वाले भी फिलोपियन ट्यूब को यहां से काट देगा। ठीक है, जब काट देगा तो ये कटने के बाद जब कट देगा तो फिर वो बच्चा पैदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन जो होता है ना वो फिलोपियन ट्यूब में ही होता है, इसलिए फिलोपियन ट्यूब के काट देता है, जब काट देता है तो मिलन ही नहीं होगा, जब मिलन नहीं होगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा, है ना। तो जब ऑपरेशन किया जाता है और कहा जाता है कि इनका जो है ना मतलब बच्चा नहीं होना चाहिए, है ना, तो उस स्थिति में क्या होता है प्यारे बच्चों, इस नली को काट देता है। ठीक है, तो नलबंदी कर दिया जाए, और लड़का में नसबंदी होता है, बस इसके नस को काट देता है ना, वृषण जो जिस नस से जुड़ा रहता है उसी नस को काट देता है प्यारे बच्चों। ठीक है, नसबंदी हो गया, ये वो बच्चा नहीं पैदा कर पाएगा। तो ये भी आपने क्लियर कर लिया, तो आई होप कि प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, है ना, ओके, धन्यवाद।